हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा। गाइस, जेईई मेन 2021 के एफएक्यू रिलीज हो चुके हैं, जारी किए गए। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में कुछ डाउट्स ऐसे थे जो बच्चों के हमारे पास भी आ रहे थे, फॉर्म फिलिंग को लेकर के, कैटेगरी वाले कॉलम को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के, जिसमें अब ऐसा लगता है कि कुछ क्लियरेंस आ चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने एफएक्यू रिलीज किए हैं उस पर मैं आपसे बात कर लेता हूं। जेईई मेन में जो एफएक्यू रिलीज किए हैं उसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि हमने जो स्टूडेंट को चार बार हो रहे जेईई मेन एग्जाम फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए एक साथ फॉर्म भरने का मौका दिया है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट ये कहती है क्योंकि जब ये एग्जाम होंगे उस एग्जाम से पहले, हर एग्जाम से पहले आपको फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है क्योंकि हर महीने एग्जाम हो रहा है, इस वजह से फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन केवल एक बार आपको चारों एग्जाम भरने के लिए इसलिए दिया गया है क्योंकि एक महीने का टाइम अभी फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल है। लेकिन जब ये फॉर्म वापस से ओपन होंगे बच्चों के अप्लाई करने के लिए, उस समय टाइम ड्यूरेशन काफी कम रहेगा। हो सकता है कि फॉर्म फिलिंग के लिए जो कि मार्च, अप्रैल और मई के लिए एग्जाम हो, उसमें आपको केवल 4 से 5 दिन के लिए विंडो ओपन हो फॉर्म फिलिंग के लिए। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में यह पॉइंट है कि उसको चारों सेशन के लिए अभी अप्लाई करना है तो बेटर रहेगा कि वो चारों सेशन की फीस एक साथ पे कर सकता है। और हम भी थोड़ा सा इस चीज को ऐसा समझते हैं कि केवल अगर हर एग्जाम में जो कि अभी फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई में होने जा रहा है, उसमें केवल अगर 5 से 6 दिन के लिए विंडो रहती है तो किसी बच्चे का फॉर्म फिलिंग मिस ना हो, इसलिए वो ये सोच सकता है कि वो अगर चारों सेशन के लिए अभी अप्लाई कर दे, भले वो डिसाइड बाद में करे कि उनको एग्जाम देने हैं या कोई एग्जाम किसी सेशन का स्किप करना है। क्योंकि यहां ये भी मौका दिया गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सेशन से अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट से और आगे के सेशन में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आप उसको स्किप करना चाहते हैं, तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है। उन्होंने ये बोला है कि विड्रॉ के ऑप्शन को हमने इसलिए दिया है कि किसी बच्चे ने अगर फीस पे कर दी, अगर रिफंड करना चाहे तो विड्रॉ का ऑप्शन, लेकिन ये भी बोला गया है कि वो विड्रॉ कराने के लिए भी काफी कम टाइम का आपको टाइम मिलेगा। इसलिए जेईई मेन की फॉर्म फिलिंग के लिए अगर एक महीने का टाइम, जो कि अप्लाई करने की डेडलाइन 16 जनवरी है, आपको चारों सेशन के लिए एक साथ अप्लाई करने का मौका दिया है ताकि आप चारों सेशन की फीस एक साथ पे कर दें। और अगर आपको किसी सेशन को एग्जाम को नहीं देना है तो दिए गए स्पेसिफिक टाइम में, जो कि हर सेशन के एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद और दूसरे सेशन की एग्जाम होने से पहले विंडो खुलेगी, उसमें आपको अप्लाई करना होगा। यहां यह भी क्लियर हो चुका है कि बी बीटेक का एग्जाम तो चार बार हो रहा है, लेकिन आर्किटेक्चर और बी आर जिसको बोला जाता है, और बी प्लानिंग जिसको बोला जाता है, बी आर को बी प्लानिंग का एग्जाम केवल 2 बार होगा इस साल, जो कि होगा फरवरी और मई में। एफएक्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बी आर को बी प्लानिंग के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे इस चीज को समझे क्योंकि एग्जाम केवल फरवरी और मई में होगा, क्योंकि बी बीटेक के कंपेरिजन में बच्चा काफी कम होता है एग्जाम देने के लिए। इसलिए ये एग्जाम देने के लिए उनको मौका साल में बी आर को बी प्लानिंग के लिए 2 बार दिया गया है, जो कि फरवरी और में है। यहां आगे उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चीज को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉल्स हमारे पास बच्चों के लगातार आ रहे हैं जिनके कैटेगरी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, अगर उनके पास अभी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट ने अब जाके जो एफएक्यू दिए हैं उसमें अपेंडिक्स सेकंड करके उन्होंने लिख दिया है कि एक फॉर्मेट दे दिया है जिससे बोला गया है सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर अभी आपके पास कोविड-19 आउटब्रेक के कारण अपना सर्टिफिकेट बनाने का नहीं बैठ पा रहा है तो उन्होंने बोल दिया है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं, उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट डाल दिया है उस एफएक्यू में। लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्मेट में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बच्चा अगर चाहे, अगर उसके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन को स्कैन करके अपलोड कर सकता है, और सेल्फ डिक्लेरेशन में उन्होंने टाइम दे दिया है मई के एंड का। लेकिन यहां भी इन्होंने जो एक फॉर्मेट के अंदर रिटन मिस्टेक हो गई है उसमें ये लिख दिया इन्होंने, आई अंडरटेक टू सबमिट द रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट बिफोर द एंड ऑफ मई ऑफ 2020, क्योंकि 2020 तो मई तो निकल चुका है, यहां पर 2021 होना चाहिए ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए ये सेल्फ अंडरटेकिंग जो अभी दी है, हो सकता है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट करे क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर 2021 के लिए एग्जाम देने वाले हैं और इस अंडरटेकिंग में 2020 लिख दिया है जो कि 2021 होना चाहिए ऐसा मुझे थोड़ा सा लग रहा है। हो सकता है कि इसका अमेंडमेंट हो और ये अंडरटेकिंग वापस से अपडेट हो गया, क्योंकि जो मैंने अभी आपको एफएक्यू बताए हैं ये अभी तक जो मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं जेईई मेन की वेबसाइट पर तो नहीं है, लेकिन एनटीए ने इसको अपनी वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। हो सकता है जेईई मेन की वेबसाइट पर थोड़ी देर में ये भी रिलीज हो जाए, और ये अंडरटेकिंग जो कैटेगरी सर्टिफिकेट ना होने के कारण स्टूडेंट को देनी है, इसमें सेशन को 2021 किया जाए तो देखते हैं। अगर नहीं अमेंडमेंट होता है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट पे रिलीज की हुई एफएक्यू में अपेंडिक्स 2 दिया गया है। इसलिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट ने आपको मौका दे दिया है, सेल्फ डिक्लेरेशन आप साइन करके दे सकते हैं ताकि आपको मई के लास्ट तक अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि इसका रीजन भी सबसे बड़ा यह है कि पहली बार
जेईई मेन के फॉर्म में इस बार सर्टिफिकेट मांगे गए हैं कैटेगरी के, जो कि अभी तक नहीं मांगे जाते थे, इसलिए अब समझता हूं गवर्नमेंट ने मौका दे दिया है बच्चों को। तो ये एफएक्यू रिलीज हुए हैं जिसमें काफी सारे और एफएक्यू तो हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने कुछ रिलीज करी है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। करियर के सारे छोटे बड़े अपडेट के लिए मिलता रहूंगा। अभी तक 2 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और ऐसा लगता है कि जेईई मेन 2021 के लिए जो टोटलिटी मिलाकर के एस्पिरेंट यूनिक कैंडिडेट जाएंगे वो 11 लाख के आसपास जाने की संभावना है, क्योंकि यूपी का स्टेट भी जो बी बीटेक का पूरे तरीके से अब जेईई मेन के स्कोर पे आ चुका है। मिलता रहूंगा करियर के सारे छोटे बड़े अपडेट्स के साथ। अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करिए। ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।